मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बेइज्जत पार्लियामानी अमूर के वजीर को मैं उनको वेलकम करता हूं। लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द हुर, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा ली। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तो लू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है, और मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाओ। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हकबात पे इख्जा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। अल्लाह के नाम में नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमरीका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं, आज हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब कहें उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा।